आपने बोला था कि गौ माता की सेवा करने से सभी की सेवा मानी जाती है और गौमूत्र में सोने की मात्रा पाई जाती है। क्या गौ माता के मूत्र में बीमारी नष्ट करने की क्षमता होती है? हाँ जी, अब तो साइंस भी, वैज्ञानिक भी, मेडिकल साइंस भी रिसर्च कर रहा है। गाय के मूत्र के फायदे कैंसर की बीमारी इस धरती पर नहीं है। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल, अब तो बड़े बड़े साइंस गौमूत्र पर रिसर्च कर रहे हैं, आपको पता है। अब तो गाय का मूत्र बहुत अच्छे दामों में बिक रहा है, तो प्राकृतिक सैनिटाइजर भी है गौमूत्र। सारे बैक्टीरियाओं को मारने की ताकत गौमूत्र में है। प्रत्यक्ष रूप से या व्यक्ति उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी खुशबू निकलती है। गाय के गोबर में भी खुशबू होती है। आप लीप दीजिए घर को तो एक अपना एक स्वच्छ वातावरण रहता है, एक पॉजिटिविटी रहती है। तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। कई हिंदुओं को ये गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की मुमानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 30 में, उसमें लिखा है इफ द ईटर ईट द थिंग टू बी ईटन ही इज नॉट डूइंग अ सिन बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 31 में कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रीफाइस इज नॉट अ सिन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रीफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं, वो पूछते भीष्म से कि यज्ञ में पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहते युधिष्ठिर से कि अगर यज्ञ में अगर पूजा में हम चावल बार्ली वाटर भाजी देंगे तो हमारे परदादा एक महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे, अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, पूरा मेन्यू है। आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसेरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे, पूरा मेन्यू है। क्या चाहिए आपको? फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों, उनको गलत फहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है। क्योंकि जब हिंदू मजहब से काफी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मजहब से, वो क्या करने लगे? दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है, भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकेंड से लेकर 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड तक सुन सकता है, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी,
क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के, तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड, इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ आखिर मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 senses है, 3 senses है, जानवरों के पास 5 senses है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 senses है, जानवर के पास 5 senses है, जानवर के पास 2 senses ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 senses कम के साथ, वो बहरा और गुंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मी लॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई के पास 2 senses कम थे, वो सुन नहीं सकता था बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 senses ज्यादा 2 senses कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते, सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में, तो मुझे कोई गिला शिकवा।